हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अगेस्ट टू में। आज के जो हम बात करने वाले हैं, एक प्राइवेट स्कॉलरशिप के बारे में बात करने वाले हैं, SDFC स्कॉलरशिप, परिवर्तन स्कॉलरशिप। इसकी जो लास्ट डेट है, कल इसकी लास्ट रहने वाली 31/8/2022। इसलिए फॉर्म को अप्लाई कर लीजिए फ्रेंड। इसमें आपको एलिजिबिलिटी बताऊंगा, अप्लाई कैसे करेंगे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके लगेंगे, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाली, इससे आपकी स्कॉलरशिप लेने आसानी रहेगा। ठीक है, अगर आपने नेशनल स्कॉलरशिप अप्लाई कर चुके हैं तब भी स्कॉलरशिप अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली फ्रेंड। चलिए स्टार्ट करते हैं, बिना कोई टाइम वेस्ट लेट्स स्टार्ट। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो यहाँ पे जो बताता हूँ, क्लास 1 से लेकर 12 वाले बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, और जो अंडर ग्रेजुएट कोर्स है जैसे BA, BSc, BCom, BTech है ना, वो बच्चे भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। अगर प्रोफेशनल अंडर ग्रेजुएट कोर्स कर रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स कर रहे हैं, तब भी इसको अप्लाई कर सकते हैं, बेफिक्र होकर, कोई दिक्कत नहीं है फ्रेंड। चलिए, तो यहाँ पे मैं सबसे बात कर देता हूँ उन बच्चों का जो अंडर ग्रेजुएट कोर्स कर रहे हैं, BA, BSc, BCom, उनमें क्या क्या डॉक्यूमेंट लगे, वो बच्चे फॉर्म को कैसे अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, तो मेरे से मैं व्यू ट्रिप पे क्लिक करता हूँ। आप देख लीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ है साफ साफ, द स्टूडेंट मस्ट बी परसुइंग द अंडर ग्रेजुएट कोर्स BCom, BSc, BA, BCA, ETC, प्रोफेशनल BTech जैसे MBBS, LLB, BRX, नर्सिंग। ठीक है, अगर आप ऐसे कर रहे हैं तब स्कॉलरशिप को अप्लाई कर पाएंगे। इस वीडियो कंप्लीट देखने से आपको सिलेक्शन प्रोसेस भी बताऊंगा, आपको हाउ टू अप्लाई, अप्लाई कैसे करेंगे स्टेप बाय स्टेप बिना कोई गलती के, वो भी आप जानेंगे इसको। चलिए अब बात करते हैं, यहाँ पे अभी ने बोला है द स्टूडेंट परसुइंग डिप्लोमा कोर्स क्लास 10th और 12th कैन ऑल्सो अप्लाई। अगर आप डिप्लोमा कोर्स किए हैं तब भी इसको अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली फ्रेंड्स। आपकी जो फैमिली की इनकम है वो 2.5 लाख से ज्यादा नहीं होना, जिसमें लिखा हुआ है एनुअल फैमिली इनकम जो है आपकी 2.5 लाख से यहाँ पे ज्यादा एक्सटीड नहीं होनी चाहिए फ्रेंड्स। ठीक है, आगे आप लिखा है प्रेफरेंस विल बी गिवन टू दोज एप्लीकेंट्स आर फेसिंग पर्सनल और फैमिली क्राइसिस, मतलब सबसे प्रेफरेंस सबसे पहले उनको दिया जिनके फैमिली में क्राइसिस चल रहा है, सिंगल पेरेंट चाइल्ड ऐसे कुछ है ना, मतलब क्राइसिस वगैरह चल रहा है। तो आप अगर आपने बीच में ड्रॉप आउट किया था बीच में अपना एजुकेशन, तब उसको आपको प्रेफर आपको किया जाएगा। ठीक है फ्रेंड, आगे लिखा हुआ है चिल्ड्रन एम्प्लॉय SDFC बैंक बड़ी, अगर आपके पिताजी या आपके जो फादर से पेरेंट्स से अगर बड़ी स्टडी में काम करते हैं तब आप इस स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, बाकी जो इंडियन इसको अप्लाई कर सकते हैं। आपको यहाँ मिलने वाला है फॉर डिप्लोमा कोर्स 20,000 रुपए की स्कॉलरशिप आपको मिलने वाला है, फॉर जनरल UG कोर्स आपको 30,000 रुपए मिलने वाला है, अगर आप प्रोफेशनल कर रहे हैं तो आपको 50,000 रुपए स्कॉलरशिप मिलने वाला है। स्कॉलरशिप का अमाउंट सुन के आपको खुशी तो हुआ होगा फ्रेंड। ठीक है, अब डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं, डॉक्यूमेंट्स के बाद फॉर्म कैसे अप्लाई करेंगे, स्टेप बाय स्टेप चलता रहेगा, आपको सिलेक्शन प्रोसेस में आपको बताने वाला हूँ, इसलिए वीडियो कंप्लीट बनाए रखना। पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपको चाहिए रहेगा फ्रेंड्स, प्रीवियस ईयर मार्कशीट आपको चाहिए रहेगा जो आपका होना चाहिए 2020-21 का, यहाँ पे प्लीज अपलोड ट्रू मार्कशीट 2020-21 सेशन का आपको अपलोड होना चाहिए फ्रेंड्स, 2021-22 या 2020-21 का आपके पास होना चाहिए। आइडेंटिटी प्रूफ आपके पास होना चाहिए, आधार कार्ड हो गया, वोटर आईडी कार्ड हो गया, डोमिसाइल सर्टिफिकेट हो गया तो आपको चाहिए होगा। करंट ईयर का एडमिशन प्रूफ चाहिए, जैसे कि लाइक फीस स्लिप हो गया, बोनिफाइड हो गया, आपका आईडी कार्ड हो गया। ठीक है, आप दे सकते हैं यहाँ पे एप्लीकेंट बैंक पासबुक, अपनी जो पासबुक है वो आप दे सकते हैं, उसमें आपका जो चेकबुक भी चल सकता है, अगर आपके पासबुक है तो पासबुक भी आप दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इनकम प्रूफ और एनी अदर 3 प्रूफ इनकम प्रूफ आपके पास होना चाहिए। ठीक है, ध्यान रखिएगा, और ये जो है SDM, DM, CO, तहसीलदार से रजिस्टर्ड होना चाहिए फ्रेंड्स। ठीक है, प्रूफ ऑफ फैमिली पर्सनल क्राइसिस एप्लीकेबल, आप अगर आपके फैमिली क्राइसिस है तो आप इसको दे सकते हैं, इसमें लिखा है इफ एप्लीकेबल, अगर दे भी सकते हो और नहीं भी दे सकते हैं प्रूफ, अगर है तो आप दीजिएगा क्योंकि उससे प्रेफरेंस आपको ज्यादा मिल जाएगा फ्रेंड्स बाकी और की तुलना में। अप्लाई कैसे करेंगे इस वीडियो में जानेंगे, इससे पहले जानने के लिए सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है वो बताता हूँ। सिलेक्शन प्रोसेस में रहने वाला है, इसमें लिखा हुआ है व्हाट इज द सिलेक्शन प्रोसेस फॉर SDFC बैंक परिवर्तन ECE स्कॉलरशिप, तो इसमें लिखा गया साफ साफ शब्द में लिखा गया फ्रेंड, द स्कॉलरशिप प्रोसेस फॉर SDFC बैंक परिवर्तन ECE स्कॉलरशिप इज मल्टी स्टेज प्रोसेस, बेस्ड स्टूडेंट आर सिलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ द मेरिट एंड देयर फाइनेंशियल नीड। जी हाँ, मेरिट और फाइनेंशियल इनकम से आपकी जो है यहाँ पे मेरिट लिस्ट तैयार होगी। अगर आपका परसेंट अच्छा है, फैमिली की इनकम कम है, तो आपको यहाँ पे मेरिट लिस्ट में तवज्जो दी जाएगी, फर्स्ट लिस्ट में आपका नाम आएगा फ्रेंड्स। ठीक है, जिसमें आपको 20,000-50,000 स्कॉलरशिप आपको मिलने वाला है फ्रेंड्स, इसमें साफ साफ लिखा गया है। और इसमें एक और बात लिखा गया, अगर आपकी फैमिली में क्राइसिस चल रहा है तो आपको प्रेफरेंस पहले किया जाएगा बाकी और की तुलना में, ये बात आपको समझ में आ गई होगी फ्रेंड्स। ठीक है, तो आप वेट मत कीजिए, कल इसकी लास्ट डेट है, चाहे आए चाहे नंबर नहीं आए, आपका एक रुपया जेब से नहीं लग रहा है, आप इस फॉर्म को अप्लाई कर दीजिए स्टेप बाय स्टेप, मैं बता रहा हूँ कंप्लीट इस फॉर्म को अप्लाई कर लीजिए क्योंकि कल इसकी लास्ट रहने वाली है फ्रेंड्स, इसके बाद आपको फॉर्म देखने को नहीं मिलेगा फ्रेंड्स। ठीक है, और बाकी एक लिखा है, इसमें लिखा है अगर जो बच्चे शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे मेरिट लिस्ट में, उनका एक टेलीफोनिक इंटरव्यू लिया, जिसमें लिखा हुआ है टेलीफोनिक राउंड ऑफ इंटरव्यू आफ्टर विच द फाइनल सिलेक्शन विल बी मेड। ठीक है, आपका एक टेलीफोन इंटरव्यू लिया जाए जिसके आधार पर आपका फाइनल सिलेक्शन यहाँ पे तय किया जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, इसमें लिखा गया साफ साफ। अब इसमें बता देता हूँ, अगर आप बात करते हैं यहाँ पे, इसमें यहाँ पे चीज आपकी जो मिनिमम परसेंटेज अप्लाई की हो, कम से कम 60% आपकी होनी चाहिए मिनिमम अप्लाई के लिए,
कम से कम 60% आपकी होनी चाहिए जो अप्लाई कर सके, ठीक है। अब मैं आप बताते हैं इसका अप्लाई कैसे करेंगे, तो मैं आप बता रहा हूँ अंडर ग्रेजुएट कोर्स जैसे कि बीए बीएससी बीकॉम कैसे अप्लाई कर पाएंगे। तो अप्लाई नाउ के ऑप्शन पे आपको क्लिक कर लेना है, अप्लाई नाउ के ऑप्शन में क्लिक करने का, अगर आपका पहला अकाउंट बना है तो आप लॉगिन कीजिएगा, नहीं बना है तो आप रजिस्टर के ऑप्शन में क्लिक करके रजिस्टर कर लीजिएगा, ठीक है। इसमें साफ साफ लिखा गया है इसमें आपको कुछ यस करने हैं, आपकी लिखा हुआ है मिनिमम आपके जो है प्रीवियस ईयर में 55% एटलीस्ट 55% मार्क्स आपके होने चाहिए, जी हाँ 55% एटलीस्ट भरने के लिए होने चाहिए, बाकी तो मेरिट लिस्ट पे कितना भी हो सकता है वो कह नहीं सकते, ठीक है फ्रेंड्स। प्लीज बताइएगा आपके कमेंट बॉक्स में बताइएगा कितने आपके मार्क्स बन रहे हैं, क्या आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, मैं रिप्लाई जरूर दूंगा आपको, ठीक है। इंस्टाग्राम फॉलो जरूर कर लीजिएगा। चलिए यहाँ पे लिखा हुआ है फर्दर एजुकेशन में, यहाँ पे जो लिखा हुआ इसको यस कीजिएगा, स्टार्ट एप्लीकेशन पे क्लिक कर दीजिएगा। स्टार्ट एप्लीकेशन में जैसे आप क्लिक करिए यहाँ पूछा है आर यू करंटली परस्यूइंग ग्रेजुएट प्रोफेशनल जनरल डिप्लोमा क्लास 10 टू 12, यस कर दीजिएगा। इसमें है भी इसको 55% मार्क्स, अगर आपके 55% मार्क्स है तो अब इसको यस कीजिएगा, नहीं तो है तो आप तो एप्लीकेबल के एलिजिबल नहीं रहेंगे फ्रेंड्स, ठीक है। आपके फैमिली की इनकम 2.5 लाख से ज्यादा है या कम है, इन योर फैमिली इनकम लेस देन 2.5 लाख, 2.5 लाख से कम है या नहीं, तो 2.5 लाख से कम है यस कर दीजिएगा, ठीक है। 2.5 लाख से कम है यस कीजिएगा। चेक योर एजुकेशन क्लिक करेंगे आपको लिखा है कॉन्ग्रेचुलेशन, इसको कंटिन्यू ऑप्शन पर आप क्लिक कर दीजिएगा। कंटिन्यू आप जैसे क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ प्रकार सा फॉर्म देख लीजिए खुल के आएगा यहाँ पे, इसकी जो लास्ट डेट 31/8/2022 है, जी हाँ 31/8/2022 मतलब कल इसकी लास्ट रहने वाली है, कल गणेश चतुर्थी भी है फ्रेंड्स, तो हो सकता है कल सर्वर डाउन रह सकता है, इसलिए जितना जल्दी हो सके फॉर्म को आज ही अप्लाई करने की कोशिश कीजिएगा स्टेप बाय स्टेप। तो यहाँ पे मैंने कंप्लीट डिटेल यहाँ पे भर रखा है, कुछ चीजें हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे चीजें हैं जो मैंने यहाँ भर रखा है, आप कुछ नहीं, आपको अपना फर्स्ट नेम लास्ट नेम ईमेल आईडी डीओबी वगैरह डेट ऑफ बर्थ ये सब आपको भरना है, आधार नंबर कंप्लीट करना है, ठीक है। नंबर ऑफ सिबलिंग्स के क्या आता है, नंबर ऑफ सिबलिंग मैं आपको बता देता हूँ, नंबर ऑफ सिबलिंग्स का मतलब होता है आपके कितने भाई बहन है वो आपको यहाँ पे टाइप करना है, एक दो जो भी है आपके यहाँ पे टाइप करना है, उसके बाद एड्रेस आपको सबमिट करना है। उसके बाद अगला आपका आता है एजुकेशन डिटेल, एजुकेशन डिटेल को आप कंप्लीट कीजिएगा। एजुकेशन डिटेल आपसे पूछा क्लास 11, 12 जो आप पढ़ने हैं जिसमें बताया तो मैं आपको चीजों को, क्लास 12 की डिग्री पूछ जाएगी आपसे, ग्रेजुएशन किए हैं तो ग्रेजुएशन में आपने फर्स्ट ईयर में सेकंड ईयर में कौन से प्रीवियस में, उससे आपका परसेंटेज वगैरह पूछा जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है। अब बात करते हैं फैमिली मेंबर्स, फैमिली मेंबर्स में आप देख सकते हैं फैमिली मेंबर्स में यहाँ पे फादर मदर है, ठीक है, दो फैमिली मेंबर ऐड कर सकते हैं आप यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स पूछा जाएगा, डॉक्यूमेंट्स अप्लाई अपलोड कर सकते हैं लाइक दिस, जिसमें आपको बता देता हूँ डॉक्यूमेंट्स में, जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ चीजों को, चलिए मैं आगे बता देता हूँ, रेफरेंस बता देता हूँ, आगे बढ़ते उसके बाद बताऊंगा मैं आपको। रेफरेंस में आपको दो रेफरेंस भरने हैं, टू टाइप्स ऑफ रेफरेंस भरने, फादर और मदर आपको भरना है यहाँ पे, यहाँ अपना सेल्फ भी आप डाल सकते हैं रेफरेंस में, कुछ भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं यहाँ पे। कई बच्चे यहाँ पे आईडिया देख लीजिए, फादर का डाल दीजिए और सेल्फ डाल दीजिएगा, कोई दिक्कत वाली परेशानी नहीं है। बैंक डिटेल्स, उसके बाद आपको बैंक डिटेल आपको भरना है, जो भी बैंक डिटेल्स है वो आपको यहाँ पे भरना पड़ेगा, ठीक है फ्रेंड्स, फिर से आईडिया बैंक डिटेल। और उसके बाद आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स बता देता हूँ, डॉक्यूमेंट्स आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगने वाला है, फीस सिर्फ जैसे कि आपका जैसे आईडी कार्ड दे सकते हैं, कॉलेज जो आईडी कार्ड है करंट ईयर की होनी चाहिए फ्रेंड्स, ध्यान रखेगा। बोनीफाइड सर्टिफिकेट दे सकते हैं, एनएसपी वाला बोनीफाइड एप्लीकेबल नहीं रहेगा फ्रेंड्स, काफी बच्चे करेंगे, अगर देना है उसको तो एनएसपी जहां लिखा है उसको एडिट कीजिएगा, एडिट करके उसके बाद ही अपलोड कीजिएगा अगर आपके पास कुछ ऑप्शन नहीं रहता है तो फ्रेंड्स। उसके बाद बैंक डिटेल में जैसे आपका चेकबुक या पासबुक की जो फोटोकॉपी होती है फ्रंट पेज का वो आप दे सकते, दोनों में से एक दे सकते हैं, जिसमें आपका आधार उसमें आपका अकाउंट नंबर आईएफएससी कोड एमआईसीआर कोड आपको दिख सके और आपका नेम दिख सके, ठीक है। बिल्कुल एक सही तरीके से अपलोड कीजिएगा, बिल्कुल जिससे कोई परेशानी ना हो, बाद में कोई मसला ना होना चाहिए, ठीक है। तो इन चीज़ों को भरना है, कोई भी दिक्कत आता है प्लीज़ कॉन्टैक्ट कीजिए मेरे से, इंस्टाग्राम फॉलो कर लीजिए और चैनल को लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए या इसी प्रकार हेल्पफुल करने के लिए आपके पास है, ठीक है फ्रेंड्स। कोई भी दिक्कत आता है प्लीज कंफर्म कीजिए। उसके बाद जैसे आप कंप्लीट भर लेंगे 31/8/2022 कंप्लीट डिटेल भर लिया आपने, उसके बाद आपके एक ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे, एक ऑप्शन मिलेगा सॉरी मोर अबाउट योर सेल्फ, आपसे पूछेगा डू यू हैव डिसेबिलिटी, अगर आप डिसेबिलिटी है तो यस कीजिए, नहीं है तो नो कीजिएगा। एक क्वेश्चन पूछेगा आपसे जनरल नॉलेज, ठीक है, इफ यू प्लीज स्पेसिफाई द डिसेबिलिटीज, अगर आप डिसेबल है तो आपको डिस्क्राइब करना है कौन से डिसेबल है आप, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं एनए कर सकते इसको। उसके बाद इफ यू प्लीज स्पेसिफाई डिसेबल कैटेगरी, ये भी एनए कीजिएगा, अगर आप है तो करिएगा। व्हाट काइंड ऑफ क्राइसिस आर यू फेसिंग, आप क्राइसिस से गुजर रहे हैं तो कौन से क्राइसिस गुजर रहे हैं, इनमें से हैं तो यस कीजिएगा, नहीं तो नो कीजिएगा। स्टूडेंट रिलेशनशिप विद द फैमिली मेंबर हु इज अ फेसिंग क्राइसिस और डिक्रीज, अगर है तो यस कीजिएगा, जो भी है नो कीजिएगा, नहीं तो ठीक है। जो भी है इस चीज को भरने के बाद, कंप्लीट भरने के बाद, सेव एंड कंटिन्यू ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद प्रीव्यू कर लीजिएगा फॉर्म को, एक बार देख लीजिएगा कंपनी मैंने कई फॉर्म में गलती तो नहीं किया है, कुछ भी गलती नहीं किया, जो मेरा काम है यार भरने यार फॉर्म भरने का, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, पैसा एक भी रुपए लगने वाला नहीं है आपका। प्रीव्यू का ऑप्शन में क्लिक करने के बाद फॉर्म आपका फाइनल सबमिट पे हो जाएगा और फाइनल आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। एनएससी वाले अप्लाई कर सकते हैं, आप कोई भी शंका मन में मत रखिए, एनएससी वाले अप्लाई नहीं कर सकते, एनएससी वाले डेफिनेट अप्लाई कर सकते हैं, चाहे आपने जितनी स्कॉलरशिप अप्लाई कर लिया उसका एक फॉर्म आपका रिजेक्ट नहीं होने वाला है फ्रेंड्स। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।